हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 10 दसवां और सौवां भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक पेंसिल दिखाई दे रही है, इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। तो अगर हम इस पेंसिल की लंबाई को अंदाजे से लिखें तो ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी होगी। अब इसे स्केल से मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। अब अगर हम इस लेंस की मदद से और स्केल से इस पेंसिल की लंबाई को मापें तो जब भी हम स्केल से किसी चीज़ को मापते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं। यहाँ जो है वो जीरो है, जीरो जीरो के बाद ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे 10 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में अगर हम इन लाइनों को देखें तो 1, 2, 3, 4 और फिर ये 5 भी बड़ी है। इसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 पे जैसे ही हम आएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस पेंसिल की लंबाई को अगर हम देखें तो ये 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, मतलब ये 6 मिलीमीटर तक है। इस तरह इसकी लंबाई 3.6 सेंटीमीटर होगी। इसी को हम 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में जो 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, मतलब 10 बराबर बराबर भाग हैं, उन्हें हम 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग कहते हैं। और जब ये 10 बराबर भाग मिलते हैं तो 10 बराबर भाग मतलब 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। इस तरह प्रत्येक छोटा भाग मतलब प्रत्येक छोटी लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर है और वो 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग के बराबर होता है। और इसी 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक चींटी बनी हुई है, इसको अगर हम देखें तो ये 1, 2 और 3 3 मिलीमीटर लंबी है। अब अगर हम इस 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसको हम 0.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और मिलीमीटर में इसको हम 3
मिलीमीटर लिखते हैं, ठीक है। पर मैं बहुत लंबी हूँ, 1 सेंटीमीटर के 7/10 भाग के बराबर। तो ये जो चींटी आपको दिखाई दे रही है, ये 1 सेंटीमीटर के 7/10 भाग के बराबर है। इसे हम 7 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम 1 सेंटीमीटर के 1/10 भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? तो अगर हम इस पेंसिल की लंबाई को स्केल से मापें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मिलीमीटर के बराबर है। इस पेंसिल की लंबाई 6 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? तो इसको जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 0.6 सेंटीमीटर होगी। मेंढक, क्या तुमने मेंढक देखे हैं? कहाँ? तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? यहाँ 2 मजेदार उदाहरण हैं। पहला गोल्ड मेंढक और दूसरा बुल मेंढक। गोल्ड मेंढक, इस तरह का एक मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। मतलब गोल्ड मेंढक जो है वो दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसकी लंबाई को मिलीमीटर में लिखना चाहें तो इसकी लंबाई 9 मिलीमीटर होगी। बुल मेंढक पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। जीरो दशमलव नौ सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यह 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10 भाग है, ठीक है ना। तो 30.5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। तो 30.5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। अब आगे दिया हुआ है, ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? तो यहाँ एक मेंढक लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर हम 1 मीटर के स्केल से इन मेंढकों को मापें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में जब हम 30 का भाग देंगे
क्योंकि एक बड़ा मेंढक लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए 30 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 30 का भाग 100 में 3 बार जाएगा और 30 तिया 90 और बचेगा कितना 10। मतलब ऐसे 3 बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगर वे एक कतार में बैठे हों तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। तो अब छोटे मेंढक जो कि 9 मिलीमीटर लंबाई का है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक छोटे मेंढक की लंबाई 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो जब हम सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, क्योंकि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो जब भी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 10 का गुणा करते हैं। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग करते हैं। अब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जब बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 100 सेंटीमीटर बराबर 100 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। अब छोटे मेंढक की लंबाई जो कि 9 मिलीमीटर है और 1 मीटर में कुल 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर हम 9 का भाग 1000 में दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। तो हम 1000 में 9 का भाग देते हैं, 9 का भाग 1 में नहीं जाएगा इसलिए हम एक अंक और लेंगे तो 10 हो जाएगा। 9 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 10 में से 9 घटाने पर 1 बचेगा, उतारेंगे 0। फिर 9 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 10 में से 9 को घटाने पर फिर 1 बचेगा, उतारेंगे 0। फिर 9 का भाग 10 में एक बार जाएगा तो 10 में से 9 घटाने पर 1 बचेगा। इस तरह 1 मीटर जगह में कितने छोटे मेंढक आ जाएंगे, 111 मेंढक आ जाएंगे। तो यहाँ 111 छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। अब कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और खालिस्तान मिलीमीटर, या तो अगर हम इस कील को देखें तो ये 2 सेंटीमीटर के बाद और 3 सेंटीमीटर से 1 कम है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर के बाद 9 मिलीमीटर तक है। इस तरह इसकी लंबाई 2.9 मिलीमीटर सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है और मिलीमीटर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसी को जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर। इस भिंडी की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर और खालिस्तान मिलीमीटर है, हम इसे खालिस्तान सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो अगर
इस भिंडी को हम स्केल से मापते हैं तो ये 9.3 सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर तक लंबी है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो जब भी हम किसी चीज़ को स्केल से मापते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ 1 से शुरू किया गया है, इसलिए 9.3 सेंटीमीटर में से 1 को घटाना पड़ेगा। तो 9.3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 8.3 आएगा। इस तरह भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है। हम इसे 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, हम इसे 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मोमबत्तियाँ दी गई हैं और इन मोमबत्तियों की लंबाई को मापकर हमें यहाँ लिखना है और इनकी लौ को मापकर भी इस वाले कॉलम में लिखना है। तो और उसके बाद मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करना है। तो ये आपको अपने घर पर मोमबत्ती की लंबाई को मापकर इन कॉलमों में लिखना है और उसकी लौ की लंबाई को मापकर भी इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ इस टेबल में हमने करके बताया है, मोमबत्ती 1 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर लंबी है, जिसकी लंबाई सेंटीमीटर में 2.9 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह इसकी लौ को जब हम मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, इसे 1.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। मोमबत्ती 2 की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, इसे हम सेंटीमीटर में 4.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरी लौ की लंबाई 1 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, इसे हम 1.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मोमबत्ती 3 को जब हम मापेंगे तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 0 मिलीमीटर है, तो इसे हम 6.0 या केवल 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तीसरी मोमबत्ती की लौ को जब हम नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर आएगा, इसे हम 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में हमें अंतर पता करना है, तो 2.9 में से जब हम 6.0 को घटाएंगे, 2.9 में से जब हम 6.0 में से जब हम 2.9 को घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो 1 हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को घटाने पर 1 मिलेगा, इधर कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा। इस तरह इन मोमबत्तियों में 3.1 सेंटीमीटर का अंतर है, इसे हम 3.1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है,
ए या बी। हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को देखें तो हमें बी रेखा की लंबाई ज़्यादा लगती है, मतलब बी रेखा देखने में लंबी लग रही है। लेकिन जब हम स्केल से ए और बी दोनों रेखाओं को मापते हैं तो दोनों रेखाओं की लंबाई लगभग 4.6 सेंटीमीटर आती है, मतलब ए और बी दोनों रेखाएं बराबर हैं और हमारा अंदाजा गलत होगा। ठीक है, इसी तरह सी और डी रेखा में से कौन सी ज़्यादा लंबी है। तो सी और डी रेखा को देखने पर हमें सी रेखा ज़्यादा लंबी लग रही है, लेकिन जब हम स्केल से इन दोनों रेखाओं को मापते हैं तो इन दोनों की लंबाई लगभग 3.2 सेंटीमीटर आती है, मतलब ये दोनों रेखाएं भी बराबर हैं और यहाँ भी हमारा अंदाजा गलत होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने लिखकर बताया है, ए रेखा 4.6 सेंटीमीटर है, बी रेखा भी 4.6 सेंटीमीटर है, ए और बी दोनों रेखा बराबर हैं, मेरा अंदाजा गलत था। इसी तरह रेखा सी 3.2 सेंटीमीटर और रेखा डी भी 3.2 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हैं, मेरा अंदाजा गलत था। ठीक है, बाजार में एक अंडा 2.50 रुपए का, मतलब 2.50 रुपए का मिलता है, और साबुन 8.75 रुपए की, पेन 6.50 रुपए का, बैग या पर्स 120.50 रुपए का, 120.50 रुपए मतलब 120.50 रुपए, माचिस 0.50 रुपए मतलब 50 पैसे की है, चप्पल 32.99 रुपए मतलब 32.99 रुपए की हैं, और घड़ी 567.25 रुपए मतलब 567.25 रुपए की आती है। अब माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि माचिस की डिब्बी 0.50 रुपए या इसी को हम 50 पैसे लिख सकते हैं। तो माचिस की डिब्बी 0.50 रुपए या 50 पैसे की आती है। अब अगला है, माचिस की कितनी डिब्बियां 2.50 रुपए मतलब 2.50 रुपए में ली जा सकती हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एक माचिस 50 पैसे की आती है और 2.50 रुपए में कितनी माचिस आएंगी ये हमें पता करना है। तो अगर हम 50 पैसे का 2.50 रुपए 2.50 रुपए मतलब 2.50 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे तो 2 रुपए में 200 पैसे और 50 पैसे और हैं, इस तरह 2.50 रुपए में अगर हम 50 का भाग दे दें तो 50 मतलब 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 25 में 5 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 5 का 5 बार पढ़ेंगे 25 और 0 है तो हम 0 लगा देंगे। इस तरह
250 में अगर हम 50 का भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा, तो 2.50 रुपए में 5 माचिस की डिब्बियां ली जा सकती हैं। ठीक है, एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? तो एक साबुन की टिकिया का दाम 8.75 रुपए, मतलब 8.75 रुपए है। तो आप एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? 8.75 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास 1 5 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए के सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपए में लिखो। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि अरुण के पास 5 रुपए का एक सिक्का, मतलब 5 रुपए, 2 1 रुपए के सिक्के, मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के, तो 2 रुपए, और 50 पैसे के 4 सिक्के, मतलब 0.50 × 4। तो जब हम 50 पैसे में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का जब हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 4 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 4 × 5 = 20 आएगा। इस तरह 200 पैसे हो जाएंगे, और 200 पैसे मतलब 1 पैसे 1 रुपए में 100 पैसे। तो अगर हमें 200 पैसे को रुपए में बदलना है तो 200 में हम 100 का भाग दे देंगे, तो 100 का भाग 200 में 2 बार जाएगा। इस तरह 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब कितने रुपए? 2 रुपए। इस तरह अरुण के पास 5, 2 7 और 2 9, कुल 9 रुपए हैं। 9 रुपए मतलब 9.00 रुपए। और साबुन खरीदना चाहता है तो साबुन की कीमत 8.75 रुपए। तो 9 रुपए में से जब हम 8.75 रुपए को घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए हमें बगल वाले अंक से उधार लेना पड़ेगा। तो बगल में भी 0 है, तो हम 9 से बगल वाले 0 को उधार देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, और इस 10 से जब यहाँ 1 उधार देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 10 था, 1 बगल वाले अंक को उधार दिया तो यहाँ 9 बचेगा। 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 9 था, 9 में से 1 उधार पास वाले को दे दिया था, इसलिए यहाँ 8 बचेगा। तो 8 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। इस तरह 0.25 रुपए, 0.25 रुपए अरुण को वापस मिलेंगे, मतलब 25 पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है, एक अंडा 2.50 रुपए का है, एक सही 1/2 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? तो यहाँ एक अंडे की कीमत हमें दी हुई है, और एक सही 1/2 दर्जन, तो यहाँ 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, मतलब 1 दर्जन में 12 अंडे होंगे, और आधा दर्जन में 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, मतलब 1 दर्जन में 12 अंडे और आधा दर्जन में
छह अंडे। इस तरह एक सही 1/2 दर्जन में 12 और 6 मतलब 18 अंडे होंगे। अब एक अंडा 2.50 रुपए का है और 18 अंडों की कीमत हमें पता करना है। एक अंडे की कीमत हमें दी हुई है और 18 अंडों की कीमत हमें पता करना है। जब भी हमें एक का देके ज़्यादा के बारे में पूछते हैं तो ऐसे प्रश्नों में हम गुणा करते हैं। तो एक अंडे की कीमत में अगर हम 18 का गुणा कर दें तो हमें एक सही 1/2 दर्जन अंडों की कीमत पता चल जाएगी। तो इसको यहाँ जैसा कि हमने करके दिखाया है, एक दर्जन 12, एक सही 1/2 दर्जन 12 और 6 18। एक अंडे का मूल्य 2.50 रुपए, तो 18 अंडों का मूल्य बराबर 18 × 2.50 रुपए। तो 18 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो 18 × 2 = 36 आएगा, और 18 का गुणा जब हम 0.50 में करेंगे तो 45.90। 18.50 का जब हम करेंगे तो 900 आएगा। दशमलव लेकिन यहाँ 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो हम यहाँ 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, इस तरह 9 आ जाएगा। तो 36 और 9 को जोड़ने पर 45 रुपये आ जाएगा। मतलब एक सही 1/2 मतलब 1.5 दर्जन अंडों की कीमत 45 रुपये होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब अगला है, कर्णन कितनी कलमें खरीद सकता है, कर्णन के पास कितने पैसे बचे। तो उसके पास कुल 60 रुपए थे, उसने 45 रुपए के 1.5 दर्जन मतलब एक सही 1/2 दर्जन अंडे खरीदे। तो 60 में से 45 को जब हम घटाएंगे तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो बगल वाले अंक से उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 6 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। 5 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। इस तरह कर्णन के पास कितने रुपए बचे, 15 रुपए बचे। ठीक है, अब दो कलमों का दाम खालिस्तान रुपए, क्या वह 2 कलमें खरीद सकती है। तो एक कलम का दाम 6.50 रुपए दिया हुआ है, और यहाँ हमें पता करना है कि क्या वह 2 कलमें खरीद सकती है। तो एक कलम की कीमत 6.50 रुपए है, तो 2 कलमों की कीमत निकालने के लिए इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा अब हम इकाई के अंक में कर चुके हैं, अब 2 का गुणा हम दहाई के अंक में करेंगे, तो 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 2×5 = 10 आएगा, 10 की 0 हासिल की 1। अब 2 का गुणा हमें सैकड़े के अंक 6 में करना है, तो 2 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 का जब हम 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2×6 = 12 आएगा, और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 12 और 1 = 13